और लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है। लोहिया संस्थान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने तबाही मचाई थी। संस्थान के संक्रमित स्टाफ में 84% में मिला डेल्टा वेरिएंट। दिल्ली की सेंट्रल रिसर्च लैब की जांच रिपोर्ट में हुआ है खुलासा। 15 मई तक भेजे गए 50 सैंपल की रिपोर्ट आई है। 50 में से 42 में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। तो सनसनीखेज खबर बता रहे हैं आपको, 15 मई तक जो 50 सैंपल भेजे गए थे उनकी रिपोर्ट आ गई है। 42 सैंपल में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। इस वक्त की बड़ी खबर लखनऊ से आपको बता रहे हैं। लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर बता रहे हैं आपको। लोहिया संस्थान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने खलबली मचा दी है। संस्थान के संक्रमित स्टाफ में 84% में डेल्टा वेरिएंट मिला है। दिल्ली के सेंट्रल रिसर्च लैब की जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हो गया है। 15 मई तक भेजे गए 50 सैंपल की रिपोर्ट आ गई है और 50 में से 42 में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। तो लखनऊ से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं, कोरोना से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लोहिया संस्थान में कोरोना के डेल्टा वेरिएंट ने किस तरह से कोहराम मचाया है वो खबर आपको बता रहे हैं। संस्थान के संक्रमित स्टाफ में 84% में डेल्टा वेरिएंट मिला है। दिल्ली की सेंट्रल रिसर्च लैब की जांच रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है। 15 मई तक भेजे गए 50 सैंपल की रिपोर्ट आई, जिसमें से 50 में से 42 लोग कोरा वेरिएंट डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हो गई है। तो दिल्ली के सेंट्रल रिसर्च लैब में जो खुलासा हुआ है, रिपोर्ट में जो खुलासा है किया गया है, वो सनसनीखेज खुलासा है, चौंकाने वाला खुलासा है। 15 मई तक भेजे गए 50 सैंपल की रिपोर्ट आई है। 50 में से 42 में डेल्टा वेरिएंट की पुष्टि हुई है। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। Never miss any update.